अस्सलाम वालेकुम जी, ईसा एंड इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। तो जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब्बू लोगों के पास आज हमारा जो है वो लास्ट डे है, लास्ट अफ्तारी है। तो कल हम अपने घर में वापस आ गए थे, यानी कि ससुराल में आ गई थी मैं। और ये आज का दिन का टाइम है, ईसा के बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ईसा की भी कोशिश होती है कि मैं भी नमाज़ पढ़ूँ, उसे भी नमाज़ पढ़ना दादा अबू के साथ और बाबा के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी उम्र में अगर बच्चों को शौक़ पैदा हो जाए तो वो फिर जो है सारी उम्र उनकी ये नेक आदात जो हैं वो साथ साथ जारी रहती हैं। तो जी, ससुराल में आने के बाद सबकी फरमाइश थी कि वाइट चिकन कढ़ाई जो मैं बनाती हूँ और फ्रूट ट्राइफल, तो वो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, लेकिन सबको बहुत पसंद आता है। तो सबकी फरमाइश थी कि काफ़ी दिनों के बाद हमें वो खाने को मिलेगा, तो आप हमारे लिए वो बनाएं। तो मैंने कहा चलें आज अफ्तारी में ये दोनों चीज़ें ही बना लेती हूँ, तो उसके साथ ही साथ आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लेके उसे अच्छे से वॉश करके ऑयल में उसे फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, और दूसरी तरफ साथ साथ मैं फ्रूट ट्राइफल की तैयारी भी कर रही हूँ। तो इसके लिए कस्टर्ड बनाऊँगी। सबसे पहले दूध में सबसे पहले मैंने इलायची, सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी और साथ ही चीनी डाल दी थी, और अब इसमें कस्टर्ड जो है वो फेंट के वो इसमें डाल दिया है, और इसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और साथ ही जी चिकन को भी अच्छे से फ्राई करती रहूँगी। चिकन को इस स्टेज पे आप जितना अच्छा फ्राई करेंगे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जी, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और कस्टर्ड भी तकरीबन पक के तैयार हो गया है। अब कस्टर्ड की फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है, और दूसरी तरफ मैंने चिकन को निकाल लिया था ऑयल में से, और इसमें मैंने 2 अदद प्याज डाले थे रफली काट के, साथ में लहसुन छील के डाल दिया था साबुत ही, साथ में 2 हरी मिर्चें और 1 टमाटर डाल दिया था। और अब मैंने इसमें अदरक का जो अदरक होता है उसे मैंने कद्दूकश करके इसमें वो डाल दिया है, और इन्हें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पकाया था। और ये देखे, चिकन को मैंने निकाल लिया है साइड पे, चिकन भी हमारा हाफ कुक हो गया है। और ये देखें जी, कस्टर्ड में मैंने अब बारीक बारीक जो है वो सेब भी काट के डाल दिए हैं, और दूसरी तरफ प्याज भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। प्याज़ों को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है हमने हल्का हल्का, क्योंकि हमने ये वाइट कढ़ाई बनानी है या वाइट हांडी आप इसे जो भी कह लें, तो इसका इसमें जो भी चीज़ डालेंगे उसका कलर वाइट ही रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने हल्का हल्का सा जो है वो करना है फ्राई, यानी कि इनका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो जी, ये आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारे जो हैं वो तकरीबन लाइट गोल्डन से हो गए हैं, और यही कलर हमें चाहिए भी था। और अब मैं इसे जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/2 कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है, और अब इसे मैं हैंड बीटर की मदद से, या आपके पास अगर जो मिल्क शेक वाला जग होता है उसमें भी आप ये बना सकते हैं, इसे ब्लेंड करेंगे। लेकिन उसमें ब्लेंड से ही नहीं हो रहा था, तो अब मैंने ये इसे इस जग में ट्रांसफ़र किया है, और इसमें अब इसे मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी, सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसमें कोई पीस भी हमें, छोटा सा पीस भी नज़र ना आए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी हर चीज़ जो है वो बीट हो गई है, और बस मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे और चलाएंगे। और जी, अब इसे मैंने उस कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें मैंने ये तैयार करना है। तो जी, सबसे पहले ये जो है मैंने ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है वो डाला है, और ऊपर से मैंने जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर दिया है,
और इसे थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें मैं जो स्पाइसेस हैं मैंने डालने वो इसमें ऐड करूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये ऐड होता है, ये बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अब जी इसमें मैंने काली मिर्चें पिसी हुई डाली थी तकरीबन 2 खाने का चम्मच और थोड़ा सा नमक भी साथ ही मैंने डाल दिया था। और बस ये चीज़ें ही इसमें जाएंगी। और जी अब मैंने इसे कवर करके पकाना है और इसके साथ ही साथ जी कवर करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बालाई मेरे पास थी और थोड़ा सा मक्खन वो भी ऐड किया था। और ये देखें जी कस्टर्ड भी बहुत ही अच्छे से थिक हो गया हमारा। और अब इसकी सर्विंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जिस बाउल में हमने इसे डालना है, एक छोटा बाउल ले लिया था और एक बड़ा बाउल नीचे हम मैंने इस तरह से जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो डाल दिए थे और ऊपर मैंने ये कस्टर्ड जो बनाया हुआ था इसकी जो लेयर है वो लगा दी थी। और ऊपर से इस तरह से केक के बारीक बारीक पीसेस डाल दिए थे और साथ ही जी मेरे पास फ्रेश क्रीम थी तो वो इसमें मैंने ऊपर से डाल दी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। और आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हों अवेलेबल आप इसके ऊपर वो डाल सकते हैं, बिस्किट हो आपके पास तो आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 2-3 पीसेस ड्राई फ्रूट्स के भी रख दिए थे तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। ये जी दोनों डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं और दूसरी तरफ जो चिकन है वो भी तकरीबन तैयार हो गया है। और अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर दी है और इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं। तो फ्रेश क्रीम डाल जब भी मैंने डाली थी तो उस डालने से पहले चूल्हा बंद था। बस अब इसे डाल के हल्का सा मिक्स करके कवर कर देंगे और फिर जब सर्व करेंगे तो इसके ऊपर हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। तो बस ये बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी बनती है वाइट चिकन की। कुछ लोग बनाते हैं अपने तरीके से लेकिन काफ़ी जो है वो स्टेप्स के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके के साथ, लेकिन इस तरह से आप बनाएं बहुत ही मज़े की बनती है। तो साथ जी हम लोगों ने नान भी मंगा लिए थे और ईसा की जो बड़ी पप्पो हैं उन का बेटा और उनके हस्बैंड आए हुए हैं तो स्पेशल उनकी फरमाइश पे मैंने ये बनाई थी। तो ये जी सब ने खाना खा लिया था, नान भी मंगा लिए थे और ये जी फाइनल लुक देखे मेरे मीठे की जो मैंने मीठा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।